नमस्ते, मेरा नाम मेघना पात्र है। मैं MSW फाइनल ईयर में हूँ, विश्व भारती सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। मुझे यहाँ एक मेरा मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना था आप लोगों के साथ। मेरी लाइफ में हुआ है, जब मैं ग्रेजुएशन में थी फाइनल ईयर में, तब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रही थी, समर इंटर्नशिप। तो वहाँ पर जो चाइल्ड लाइन यूनिट है, वहाँ पर मैं एक दिन के लिए था, तो वहाँ पर मैं काम कर रही थी एक दिन। तो वहाँ से जो चाइल्ड लाइन मेम्बर्स है, उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे दो चाइल्ड मैरिज हमारे बोलपुर के नियर बाई जो दो विलेजेस हैं वहाँ पर होने वाला है। तो मैं और मेरी एक वर्कर, हम दोनों वहाँ पर गए उन लोगों के साथ। पुलिस डिपार्टमेंट भी थी बोलपुर से, तो हम लोग उनसे सहायता लिए कि उन दो गाँव में गए। उन दो गाँव में देखा कि वो दोनों बच्चियाँ थी, तो उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके आदर्श जो रिलेटिव्स थे, उनसे हम बात किए, उनको बहुत समझाया, उन दोनों को कन्विंस किया कि वो लोग अपनी पढ़ाई ना छोड़े और ये शादी अभी नहीं करें, क्योंकि उन लोगों की उम्र 14 और 15 साल थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उनके मम्मी पापा को और उनके जो दूसरे आसपास की गांव के लोगों को वहाँ पर थे, तो हम लोगों ने उनको समझाया। फिर समझाने के बाद बहुत देर तक उन लोगों ने सोचा और मना कर दिया कि नहीं, हमारी लड़की की शादी अभी होगी। तो इसीलिए हमने और पुलिस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर थे और चाइल्ड लाइन के मेंबर थे, तो हम लोगों ने उनके परिवार को बहुत समझाया। फिर समझाने के बाद उनसे एक एग्रीमेंट लिखवाया कि 18 साल के नीचे वो अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम जब गाँव से निकलने वाले थे, तो गाँव के लोगों ने हम लोगों को घेर लिया। हम जिस गाड़ी से आने वाले थे, उस गाड़ी के सामने वो लोग खड़े हो गए, ईंट पत्थर रख दिए ताकि हम गांव से नहीं निकल पाए। फिर उसके बाद तो हम वहाँ फंस गए, और मुझे तो बहुत नर्वसनेस फीलिंग हो रही थी कि क्या करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं किया, वो पहली बार था मेरी लाइफ में। फिर जो पुलिस ऑफिसर थे, उन लोगों ने बहुत मदद की, गाँव वालों को समझाया, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कुछ, उन लोगों को समझाया, फिर उन्होंने उनके परिवार वालों को समझाया, फिर तब हम वहाँ से निकल पाए। तो एक इंसिडेंट है जो मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कि हमने दो लड़कियों की ज़िंदगी बचा सकी और उन दोनों की मदद की ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे तक कंटिन्यू कर सके। ये दो इंसिडेंट मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि ये दो इंसिडेंट मेरे लिए मोटिवेशनल स्टोरी है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज अभी भी होता है, और वो ट्रेडिशनल वे में होता है। उनकी मम्मी पापा उनको ज़ोर ज़बरदस्ती उनको शादी करवा देते हैं 18 साल के नीचे। तो हमने उन लोगों को समझाया कि 18 साल के नीचे शादी नहीं करें, क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है हमारे सोसाइटी में। उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है कभी कभी, वो अपनी पढ़ाई नहीं ख़त्म कर पाए थे, बहुत तकलीफें उनको झेलना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं तो हर जगह नहीं पहुँच पाऊँगी, तो आप लोग अगर मेरे जैसे काम करिए, आप सोशल वर्कर है और नहीं है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, तो आप उन लोगों को मदद कर सकती है, उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे तक कंटिन्यू कर पाए। अगर आप अकेले नहीं कर पाए, तो आपके आसपास के पुलिस स्टेशन और जो चाइल्ड लाइन मेंबर्स हैं, उन लोगों से भी मदद मांग सकते हैं, ताकि वो जो बच्चियां है वो अपने सपने पूरे कर सके, अपने हर सपना को अपने काबिलियत से पूरा कर सके। जब 18 साल हो जाए, तब अपनी बच्चियों की शादी करवा देना उनकी पसंदीदा लड़के से और आपकी पसंदीदा लड़के से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए अपने तरीक़ों से। और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सभी जहाँ पर भी ये इंसिडेंट अगर आप देखोगे, तो तुरंत आप नियर बाई किसी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना, ताकि वो दोनों लड़कियों जैसे बाकी लड़कियों को भी मदद हो सके, और हमारे देश में एक सुरक्षित लड़कियों की समाज हम तैयार कर सकते हैं। तो यही मेरी मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल स्टोरी जो भी आप बोलोगे था, तो मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आपको अच्छा लगे, तो आप लोग भी आगे उन लोगों की मदद करना। नमस्ते।